बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, लोकल के लिए वोकल, ये कितनी सारी स्कीम्स हैं। दो बूंद जिंदगी की ने तो हमारे देश को पोलियो से ही छुट्टी दिला दी, और रिसेंटली आप सभी ने पिछले साल पोषण माह बनाया था। इस सब के बारे में आपको जानकारी कैसे मिलती है, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश करी? सत्यमेव जयते आज भी सबके दिमाग में हमेशा के लिए कुछ ना कुछ नया सिखाया है। ये कैसे हुआ और इसका क्या वजह था? तो अगर आपको याद हो, हमने पिछले वीडियो में विकास, संचार तथा पत्रकारिता के बारे में बात करी थी, और आज नॉलेज स्पॉन 2020 पर हम इसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट कि आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे, इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैं और आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट हैं। अपनी कॉपी उठाओ और पॉइंट्स नोट करते जाओ। हमने अभी तक सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए किस तरह से संचार तथा पत्रकारिता कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसका क्या महत्व है, ये पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिससे कि पत्रकारिता और विकास संचार विकास में मदद करते हैं। फिर संचार तथा पत्रकारिता में जीवन क्या है, उसके लिए जीविका क्या है, और कौशल कौन कौन से आपको इसमें चाहिए ताकि आप अपनी जीविका कमा सकें। तो सोच के देखो, ये सारी स्कीम्स मान लो सरकार लेकर आती, लेकिन हमें इसके बारे में पता ही ना चलता, हम इसके बारे में कुछ कर ही ना पाते, तो क्या हमारे समाज में कोई बदलाव आ सकता था? तो यही जो सारी विधियां हैं, इससे हम समाज में परिवर्तन लेकर आते हैं, और उन सब के लिए हमें चाहिए जन संचार के साधन। और ये जो साधन है, ये लोगों तक अलग अलग विधियों से जानकारी पहुंचाते हैं। चलिए देखते हैं वो विधियां कौन सी है। सबसे पहली विधि है अभियान। अब अभियान के ही थ्रू जो है, लोकल के लिए वोकल, पोषण माह, ये सब क्या थे? अभियान थे। दो बूंद जिंदगी की अभियान क्यों चलाया गया था? ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। हमने पिछले वीडियो में देखा था, याद है आपको, रेड रिबन एक्सप्रेस, वो अभियान क्यों चलाया गया था? ताकि लोगों को एड्स के बारे में पता चल सके, उसकी रोकथाम के बारे में पता चल सके। कोरोना के दिनों में कितना मेजर अभियान चला है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये सारे अभियान हैं। फिर रेडियो और टेलीविजन, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। और इसी के साथ हम ले सकते हैं मोबाइल, जो कि रेडियो टेलीविजन के साथ साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भी आता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तीसरा है मुद्रण माध्यम, मतलब कि प्रिंट मीडिया, जो हम न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली चार हमारे जन संचार के माध्यम हैं, साधन हैं, जिसके द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं अभियान की। ये अभियान किसी भी एक टॉपिक पर हो सकता है, हमारे पर्यावरण के बारे में आ सकता है, कोविड सेफ बिहेवियर के बारे में आ सकता है, कोविड अप्रोप्रिएट, नो स्मोकिंग के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, बच्चों को बचाने के बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में, एक दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये सब अभियान है। तो अभियान जो है विभिन्न संचार विधि और सामग्रियों का उपयोग करता है, जैसे बैठकें, भ्रमण, समाचार पत्र, लेखन, लीवलेट्स, या पूर्व निश्चित समय पर किसी विषय पर प्रदर्शनी का मिला जुला उपयोग। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हो, हमने पिछले साल पोषण माह मनाया था। इसका कारण था कुपोषण के खिलाफ जंग छेड़ना, लोगों को इसके खिलाफ जागरूक करना। उसमें आपने रंगोली बनाई थी, सैलेड बनाया था, चार्ट्स बनाए थे। तो इस तरह का जो होता है, इसे हम कहते हैं अभियान। अब ये संकेंद्रित होता है और भली भांति आयोजित होता है, और इसमें जब तक कि सिस्टमैटिकली प्लानिंग ना हो, तब तक इसका नतीजा उतना अच्छा नहीं आता। जनता को जानकारी दी जाती है और विशेष संदेश प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा दो बूंद जिंदगी के में घर घर में दो बूंद पिलाई जाती थी पोलियो ड्रॉप्स की, और इसका ही नतीजा है कि आज हम कह सकते हैं हमारा देश पोलियो फ्री है। विभिन्न चैनलों के द्वारा नाटकों का उपयोग किया जाता है, एड्स का उपयोग किया जाता है, जिससे लोगों की रुचि जो है वो उसमें बनी रहे और उनकी स्मृति में ये जुड़ा रहे और उनको प्रोत्साहित करे इसके अनुसार व्यवहार करने के लिए। और अगर कार्य व्यवहार ऐसा होगा तो हमारे वातावरण में और पर्यावरण में परिवर्तन ज़रूर आएगा। अभी भी आपने देखा होगा अभियान चला था कि रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों को रोके, ऑड इवन का अभियान चलता। और ये सब अभियान, इसका नतीजा कब आता है? जब लोग इसके लिए जागरूक हो और उन्हें हम इसके बारे में बता सकें। अब कई साधन भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियो, हमने रेडियो और टीवी साथ साथ किया था।
अब यहाँ पर हम पहले रेडियो देखेंगे और उसके बाद टीवी। अब रेडियो जो है टीवी के कंपैरिजन में और भी सस्ता है, और भी लोकप्रिय है, और भी ज़्यादा सुविधाजनक है। तो जनसंचार माध्यम ये विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। कैसे लाया जाता है चलो देखते हैं। इसके फायदे ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच है, और ख़ास तौर पर जो लोग निम्न साक्षरता वाले हैं, निम्न आय वाले हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सस्ता भी है और आसानी से लोगों तक पहुंच भी जाता है। अब रेडियो जो है सर्वाधिक सुगम जनसंचार माध्यम है। इस रेडियो को हम घर घर में पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए रेडियो खरीदना सस्ता भी है और आसानी से समझ में भी आ सकता है। एक बहुत अच्छा रीज़न है कि ये चल माध्यम है। टीवी को हम हर जगह अपने साथ नहीं ले जा सकते, लैपटॉप को नहीं ले जा सकते, लेकिन मोबाइल फ़ोन की तरह हम रेडियो को अपने साथ काम करते पे, आराम करते पे, सफ़र करते पर ले जा सकते हैं। अब रेडियो में समाचार आता है, साक्षात्कार, चर्चाएँ, वृत्तचित्र, नाटक, प्रश्नोत्तरी, ये सब आते हैं, और कई बार इन्हें गानों के या लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ों के साथ पेश किया जाता है। अब रेडियो से रिलेटेड एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जन सेवा उद्घोषणा या फिर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। अब ये जो है समाचार में अल्प समय के लिए अनेक विभिन्न विषयों को सम्मिलित करता है, और कार्यक्रम के बीच में 10 से 60 सेकंड का एक संक्षिप्त सा संदेश देता है। जैसे ऑड इवन के लिए कोई संदेश आ गया, कोई स्लोगन आ गया। अभी आपने देखा होगा, नोट किया होगा, जब स्कूलों में PTM होती है गवर्नमेंट के, तो हमारे चीफ मिनिस्टर सर जो है वो भी रेडियो पर आकर आपको मैसेज देते हैं। पॉल्यूशन रोकने के लिए देते हैं, पराली ना जलाने के लिए देते हैं जिससे प्रदूषण रुक सके, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने के लिए देते हैं। छोटे छोटे से जो मैसेज होते हैं ये कहते हैं हम जन उद्घोषणा, और ये जनता की भलाई के लिए होते हैं, और किसी विचार अथवा संदेश का विज्ञापन दिया जाता है। जैसे यातायात के नियमों का पालन करिए, तंबाकू ना खाएं, और इनमें से अनेक विषयों पर नारा होता है, कोई स्लोगन होता है, और क्योंकि ये बार बार रेडियो पर आता है, हम बार बार उसे सुनते हैं, तो ये बहुत प्रभावशाली होता है। ये जिंगल की तरह भी हो सकता है ताकि ये लोगों को याद रहे। अब रेडियो के ही साथ एक नुकसान है कि इसमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक नहीं मिलता। मैंने आपको आखिर पिछले वीडियो में बताया था कि कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, दोनों तरफ से उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन रेडियो में प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती। और इसको पूरा करने के लिए, इस कमी को हटाने के लिए स्थानीय रेडियो या फिर लोकल रेडियो लाया गया। अब अगर हम इन चित्रों को देखें तो यहाँ पर क्या है, स्थानीय लोग अपनी कला का, अपनी समस्याओं का, और अपनी समस्याओं का वो क्या सलूशन ढूंढते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ कैसे उठाते हैं, अपने अधिकार क्या हैं, इसके बारे में लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर बात करते हैं। तो समुदाय रेडियो ये जो है एक नया अन्योन क्रियात्मक संग्रूप है। इसका मतलब होता है इंटरैक्टिव, ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बोलने वाला, सेंडर, प्रेषक और जिसको संदेश मिल रहा है, ये दोनों भाग ले सकते हैं। और इसका लाभ ये है कि सफलतापूर्वक ये जन माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जो स्थानीय रेडियो स्टेशन होता है ये बनाया आकाशवाणी ने ही है, ये उसी की संकल्पना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रसारण और पत्रकारिता व्यवसायी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोकल लेवल के, स्थानीय लेवल के मुद्दे उठाते हैं। अब ये थोड़ी सी लागत से बनाया जा सकता है और सीमित क्षेत्र में इसका प्रसारण होता है। अब क्योंकि सीमित क्षेत्र में प्रसारण होता है तो यहाँ पर एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाता है जो कि स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, स्थानीय भाषा में होता है, स्थानीय समस्याओं के बारे में बात करता है, स्थानीय नियंत्रण होता है, और सामान्यतः स्थानीय विकास के मुद्दों के बारे में बात करता है। इसमें जो हमारे लोकल लोग हैं वो कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। अब इन लोगों को अगर ये नेशनल रेडियो होता तो बहुत मुश्किल से मौका मिलता, तो लोकल लोगों को एक मौका भी मिलता है कि वो अपने टैलेंट को, प्रतिभा को दिखा सकते हैं। तो रेडियो व्यक्तियों की आवाज़ बनकर विकास के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, और नवयुवकों में विकास, संचार और पत्रकारिता में जीविका बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप भी इसमें एक जीविका बना सकते हैं। फिर अगला एक स्टेप आया जो कि था शिक्षा उपग्रह या फिर एडुसेंट, मतलब ये एक एजुकेशनल सैटेलाइट थी जो कि सरकार ने सितंबर 2004 में इसका प्रमोशन किया था,
और यह ऐसा पहला भारतीय उपग्रह था जो कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने के लिए निर्मित किया गया था। इसका और कोई कार्य नहीं था। अब सैटेलाइट जैसे हमें समाचार में दिखाया जाता है ना, मौसम से रिलेटेड सैटेलाइट, कभी कभी आता है चाइना चल रहा है तो वो भी सैटेलाइट से कवरेज होता है, तो ये सब, ये वाला जो सैटेलाइट था एडुसेट, ये सिर्फ शिक्षा के लिए था जिससे कि स्कूली बच्चों से लेकर उच्चतर माध्यम तक दूरस्थ शिक्षा दी जा सके, और ये दूरस्थ शिक्षा जो है ये द्विपक्षीय हो, मतलब दोनों लोग जो पढ़ा रहा है वो भी और जो स्टूडेंट है वो भी अपनी बात को रख सके। अब चाहे वो हायर एजुकेशन में UGC हो या स्कूल की क्लासेस हो, इग्नू हो, वो सब एडुसेट के थ्रू लोगों तक अपनी क्लासेस को पहुँचा सकते हैं। और इस उपग्रह का उपयोग जो है अन्वयन क्रियात्मक दूरस्थ शिक्षा पद्धति को की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। और आपको मैंने बताया दिया बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पर अपने अपने क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। अब हम आते हैं टीवी पर, टेलीविजन पर, जिसके बारे में आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था टीवी इतना आगे बढ़ जाएगा कि आप पिक्चर हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, क्लासेस हो गई, ये सब इस पर देख सकोगे? किसने इमेजिन किया था कि जो किसान है उसका काम भी टीवी पे चलेगा, पैसे भी आप टीवी से कमा सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो। तो अब टीवी पर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के सभी स्तरों के चैनल टीवी पर हैं। अगर आप देखो लोकल लेवल का बिहार का चैनल भी है, राजस्थान का चैनल भी है, और इंटरनेशनल चैनल्स भी हैं जो बाहर की कंट्रीज़ के हैं। और इन कार्यक्रमों में वार्ता, वास्तविक घटना के कार्यक्रम, रियलिटी शोज़, टैलेंट शोज़, प्रतियोगिताएँ, ये सब होते हैं, और इसमें लोगों को अपना प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनको कि इन्हीं टैलेंट शोज़ की बदौलत अपना जीवन का रास्ता मिला, मौका मिला। तो इसमें गहन शैक्षिक कार्यक्रम भी है, जैसे क्यों जीना इसी का नाम है, आपकी कचहरी किरण के साथ, जिसमें कि हम कुछ लीगल मैटर्स के ऊपर बात करते थे, KBC जहाँ पर अपने ज्ञान के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हैं। फिर हमने देखा था सत्यमेव जयते, जहाँ लोगों को जागरूक बनाया जा रहा था। और शिक्षा तथा मनोरंजन, यहाँ पर दोनों का उपयोग एक साथ किया जा सकता है, इसलिए बच्चे, बूढ़े, बड़े, हर कोई टीवी में इंटरेस्ट लेता है। और कई बार तो हमें बच्चों को टीवी देखने से रोकना भी पड़ता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आप कब टीवी देखें? अपने काम का टीवी देखें जब तक एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स के बाद आप एंटरटेनमेंट का टीवी भी देख सकते हैं। फिर तीसरा हम आते हैं मुद्रण माध्यम पर, जो कि बहुत पुराना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह राष्ट्रीय तथा दैनिक समाचार जो पत्र है, इसमें एक समस्या है, ज़्यादातर जो समाचार हैं वो शहरों के होते हैं, और इसका कारण क्या है कि ज़्यादातर शहरों में पढ़े लिखे लोग होते हैं जो रोज़ अखबार या मैगजीन्स को ख़रीदते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहाँ पैसे भी कम होते हैं और लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं, वो ऐसे प्रिंट मीडिया या किताबें सामान्यतः कम खरीदते हैं। तो इसलिए कृषि या ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ इसमें कई बार नीचे आ जाती हैं प्राथमिकता में। ऐसे समाचार पत्र और ऐसे जर्नलिस्ट कम ही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों को छापते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पर उतना काम नहीं करते और बिक्री थोड़ी कम भी हो सकती है। तो प्रेस की शक्ति को हम नकार नहीं सकते, यह एक सतत शिक्षा का माध्यम है, और इसीलिए हम आपसे स्कूल में हर जगह कहते हैं कि रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मैगजीन्स पढ़ा करो, यह आपको पूरी दुनिया के बारे में जानकारी देता है। और ये जो मुद्रण माध्यम है या प्रिंट मीडिया है, किस तरह हमारे समाज में परिवर्तन ला सकता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है छतेरा ग्राम परियोजना, जिसको मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। और ये मनोयोग तथा संवेदनशीलता से अगर कोई लिखे तो पत्रकारिता व्यवसायिकों की संख्या जो है ऐसे लोगों की कम है जो कि संवेदनशीलता से लिखते हैं। ज़्यादातर सोचते हैं कि किसी तरह हम अपना नाम कमा लें और पैसे कमा लें। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे चुनकर संचार तथा विकास के विद्यार्थी विकास के क्षेत्र में प्रेस के प्रभाव को प्रदर्शित कर सकते हैं और समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो देखते हैं समाज में बदलाव कैसे आया था। ये है छतेरा ग्राम परियोजना, जिसको कि बीजी वर्गीस, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के उस समय एडिटर थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात करी थी। और ये परियोजना 1969 में प्रारंभ हो गई थी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का एक ये बहुत छोटा सा गांव है छतेरा, और इसकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। जब तक हम बातों को उठाएंगे नहीं, लोगों के ध्यान में नहीं लाएंगे, तब तक उसका एक्शन कैसे होगा, उसका सल्यूशन कैसे निकलेगा? तो अगर हमें समस्या का समाधान ढूंढना है तो पहले हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए हिंदुस्तान टाइम्स ने यहाँ के लोगों के जीवन का वर्णन किया
और नियमित रूप से पाक्षिक एक कॉलम अपने अखबार में छापना शुरू किया और इसको बीजी वर्गीस ने प्रमोट भी किया और उनके जो उत्साही रिपोर्टर्स थे उनका एक दल गांव में जाता था और उनकी स्थिति के बारे में संवेदनशीलता से बहुत सारी कहानियां छापी। ये कहानियां ग्राम चौपाल, वहां के लोगों की महत्वाकांक्षा, उनका जीवन यापन किस तरह से होता है, उसमें क्या समस्याएं हैं, उनके क्या त्यौहार हैं, बिजली की समस्या, जल की समस्या, निकासी की समस्या, वर्षा की कमी, खेती में समस्याएं, इन सभी को फोटोग्राफ्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसका नतीजा पता है क्या हुआ कि बहुत सारे लाभ और सेवाएं जो कि वहां गांव में नहीं पहुंच रही थीं वो इस इशू को बार बार उठाने से पहुंचने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि स्थानीय नेताओं के मनोयोग से उस क्षेत्र में मशीनें आई, पुल आए, सड़कें आए और बैंक भी बने। इसी तरह से आप देखो जब कहीं पर पेड़ कट रहे होते हैं सड़कें बनने के लिए, या मुंबई में मेट्रो का प्रोजेक्ट था तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और फिर उस पर निर्णय कई बार बदले भी जाते हैं। चौथा है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी